हाँ दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे बचाओ बचाओ, जो कि परमाणु और शक्ति की कॉमिक्स है। और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया है। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। सिर्फ यही प्लेन नहीं, इस एयरपोर्ट पर मौजूद सभी प्लेन रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। सारे प्लेन गायब हो गए, अब मैं डीसी कॉमिक्स कैसे जाऊंगा? लगता है ये काम संजय जी ने कराया है। मेरे ख्याल से हमें डीसी का ख्याल छोड़कर यहाँ से तुरंत ही भाग चलना चाहिए, क्योंकि आज तक भारत के जिस भी आर्टिस्ट ने डीसी में जाने की कोशिश की है, लगता है सभी के प्लान ऐसे ही गायब हो गए होंगे। तभी तो कोई आर्टिस्ट डीसी में नहीं पहुंच पाया। आश्चर्य से भरी ये रहस्यमयी घटना दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ही नहीं, दिल्ली के कोने कोने पर घट रही थी। अरे, पूरी की पूरी रेलगाड़ी ही गायब हो गई, वाटर सप्लाई का पूरा टैंक ही गायब हो गया, मंत्री जी के कार का काफिला ही गायब हो गया। शहर में जब इतनी ज्यादा आश्चर्यजनक घटनाएं घट रही थी, तो उसके साथ यह हौलनाक घटना भी घटने ही थी। टीवी टावर एकाएक गायब हो रहा है, बचाओ! टीवी टावर के एकाएक गायब हो जाने से उसके टॉप पर मौजूद उस इंजीनियर युवती की जान पर बनाई थी। कई सौ फीट ऊपर से गिरती हुई वो सीधी नीचे मौजूद पथरीली जमीन पर पहुंचने वाली थी, लेकिन कोई बेगुनाह नारी मौत के आगोश में पहुंच जाए तो भला उस शक्ति का क्या औचित्य रहे? जो नारी की शक्ति का, स्त्री के स्वाभिमान का और अबला की रक्षा का प्रतीक थी। निर्भय हो जाओ, तुम सुरक्षित हाथों में हो, माँ काली नहीं उनका एक अंश शक्ति जो तुम्हें बचाने के बाद अब उसे ढूंढेगी, जिसकी वजह से एक नारी मौत के रास्ते पर चल पड़ी। टीवी टावर को गायब करने वाला यही आसपास ही कहीं है, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब वो अदृश्य रूप में है, लेकिन वो मेरी दिव्य दृष्टि से छिपा नहीं रह सकता। शक्ति ने अपने दिव्य दृष्टि से वो स्थान तो क्या आसपास के कई सौ किलोमीटर के चप्पे चप्पे को छान डाला, लेकिन कमाल है, दूर दूर तक कहीं कोई नजर नहीं आ रहा। क्या सचमुच कोई है या मेरी दिव्य दृष्टि धोखा खा रही है? तूने सही सोचा शक्ति, तेरी दिव्य दृष्टि धोखा ही खा रही है, क्योंकि मैं ठीक तेरे पीछे खड़ा हूं और तू मुझे देख नहीं पा रही है। ओह, शक्ति तेजी से पीछे पलटी जरूर, लेकिन अभी भी उसे पीछे कोई भी नजर नहीं आया। ओफ, यहां तो अभी भी कोई नहीं नजर आ रहा। मुझे देखने के लिए अपनी आंखों को कष्ट मत दे शक्ति, मैं जिस शक्ति की सहायता से अदृश्य हूं उसे तेरी दिव्य दृष्टि कभी नहीं देख पाएगी। मन की बात जान लेने वाले दिव्य दृष्टि से भी तू खुद को छिपा लेने वाला आखिर कौन है तू, और किस शक्ति की सहायता से तू ये सब कर रहा है? इन सब सवालों में उलझकर अपना समय खराब मत कर सकती, जा जाकर अपना काम कर और मुझे अपना काम करने दे। तूने ठीक कहा दोस्त, मुझे अपना काम ही करना चाहिए, और इस समय मेरा ये काम है कि मैंने मानवता के लिए खतरा बनने वाले तो जैसे पापी का अंत कर दूं अपने इस भीष्म ताप से। ओफ, नरक की अग्नि से भी भीष्म ताप छूटता है तेरे हाथों से, लेकिन ये ताप मेरे एक बाल को भी नहीं जला पाएगा, क्योंकि जो सुरक्षा कवच इस समय मेरे इर्द गिर्द मौजूद है वो इस ताप को मेरे पास भी नहीं फटकने देगा। ओह, उसके पास अवश्य ही कोई अत्यंत चमत्कारी शक्ति है जो उसकी रक्षा कर रही है, लेकिन मैं उस शक्ति के कवच को तोड़कर ही दम लूंगी। मुझे खत्म करके दम लेने का प्लान मत कर ले सकती। मुझे खत्म करके दम लेने का प्रण मत ले सकती। सदियों तक यूं ही लगी रहेगी तब भी दम नहीं ले पाएगी। ओफ, मेरी उष्मा से बने अस्त्र उसके शरीर तक पहुंचने से पहले ही मोम की भांति पिघलकर गिर रहे हैं। क्या हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? मेरी शक्ति से हो रहा है, और रहा सवाल कैसे हो रहा है, ले देख, इसका जवाब भी हाजिर है।
ये एकाएक हवा में क्या प्रकट हो रहा है? कोई अस्त्र जिससे भयानक ऊर्जा निकल रही है और उस ऊर्जा का निशाना मैं ही हूं। वो ऊर्जा मुझ तक पहुंचे उससे पहले ही मुझे उसे खत्म कर देना चाहिए। उस अस्त्र की ऊर्जा और मेरी ऊर्जा ठीक इस तरह एक दूसरे से टकरा रही है, जैसे चुंबकीय शक्ति को दो छोर एक दूसरे को पीछे धकेलते हैं। देखते हैं उन दोनों ऊर्जाओं में से विजय किसकी होती है। ओह, अस्त्र की ऊर्जा की विजय हुई और शक्ति के कण से निकलने वाले आगे के शब्द चीखों में बदल गए, क्योंकि वो ऊर्जा उसे अपने घेरे में फंसाकर अब बुरी तरह तड़पा रही थी। उस अस्त्र से निकलने वाली भीष्म ऊर्जा मेरे समस्त शरीर को बुरी तरह तड़पा रही है। अब तो उस अस्त्र और उसकी ऊर्जा की प्रचंड उष्मा को समाप्त करने का मेरे पास एक ही उपाय है, अपने तीसरे नेत्र को खोलना। परंतु अगर मैंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया तो ऊर्जा के टकराव से यहाँ के वातावरण में भयंकर खलबली मच जाएगी। इसलिए तीसरा नेत्र खोलने की बजाय इस अस्त्र और उसकी ऊर्जा से बचने का एक और रास्ता मेरी समझ में आ रहा है, और वो रास्ता है अपने शरीर को प्रकाश पुंज में बदलकर अपने आप को इस अस्त्र की पहुंच से दूर कर देना। पृथ्वी के कई चक्कर लगाकर ही सांस लिया शक्ति ने, ये रास्ता ठीक रहा। अब ना जाने पीछे कहां रह गया होगा वो अस्त्र। ओह नहीं, अचानक शक्ति की आंखों और चेहरे पर अविश्वास के बादल छाते गए, और ऐसा होता भी क्यों ना, क्योंकि आंखों के ठीक सामने वो अस्त्र जो मौजूद था। ये अस्त्र मेरे पीछे ही है, प्रकाश की गति का पीछा किया इसने। उफ, ये तो अभी भी उसी तेजी से मेरी तरफ बढ़ता आ रहा है, लेकिन अब मैं इससे बचकर नहीं भाग सकती क्योंकि ये मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। जबकि अगर मैं ऐसे ही पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगाती रही तो इसके और मेरे घूमने से जो घर्षण उत्पन्न होगा उससे पृथ्वी जल उठेगी। पृथ्वी और मानवता की भलाई के लिए उसे अपने से टकराने देना मेरी मजबूरी है। एक भयानक प्रलय को रोकने के लिए अपने बलि देने को तैयार हो गई थी वो देवी, लेकिन ना उसकी बलि चढ़ी और ना प्रलय आई, बल्कि शक्ति के शरीर को छूने से पहले ही वो अद्भुत अस्त्र हवा में विलीन हो गया और गूंजा वो ठहाका। तुझे उस अस्त्र का निशाना बनाने के पीछे मेरा मकसद तेरा विनाश करना नहीं, बल्कि तुझे इस बात का एहसास कराना था कि मैं जिन शक्तियों का धारक हूं उनके सामने तू क्या, ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति कुछ भी नहीं है। उफ, ये भी यहां पहुंचा हुआ है। इन शक्तियों से मैं चाहूं तो तुझे क्या, सारे ब्रह्मांड को चुटकियों में खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं तुझे एक बार फिर चेतावनी दे रहा हूं, मेरे रास्ते में मत आ, जाकर अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे। घायल सिंहनी की भांति दहाड़ी शक्ति, तेरी शक्ति भौतिक है या वैज्ञानिक इसका तो मुझे पता नहीं, परंतु इतना अवश्य पता है कि जिन शक्तियों के घमंड पर तू उछल रहा है वे अधिक दिनों तक तेरे साथ नहीं देने वाली, जल्द ही वे तेरा साथ छोड़ देंगी, और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन तेरा बहुत ही भयानक अंत होगा। ऐसा नहीं होगा शक्ति, कभी नहीं होगा। ओह, लगता है कि वो यहां से चला गया, लेकिन उसके जाने का अर्थ ये नहीं है कि उसके साथ वो प्रलय भी चली गई है जिसकी वो धमकी दे गया है। अगर वास्तव में ही उस प्रलय को टालना है तो मुझे सबसे पहले यह पता करना होगा कि आखिर वो कौन सी शक्ति है जिसके बल पर वो अजय बना हुआ है। आखिर उसके पास ऐसे कौन से अस्त्र हैं जिन पर मेरी दैवीय शक्ति भी विजय नहीं पा सकती, और उस शक्ति के बारे में जानने का मेरे पास एक ही साधन है, माँ काली। मुझे काली माँ को खोजना होगा। चंदा को काली माँ की खोज थी और किसी को परमाणु की। शक्ति को छकाने के बाद दिल्ली के रक्षक परमाणु को छकाने की मेरी इच्छा अब और भी ज्यादा जोर मारने लगी है। पता नहीं परमाणु कहाँ है, मुझे उसे जल्दी सामने लाना होगा, और ऐसा करने का एक अच्छा रास्ता सामने मौजूद है, पुलिस हेडक्वार्टर के रूप में। अचानक हवा में प्रकट हुए उस अजीब हथियार से कुछ तरंगे निकलकर पुलिस हेडक्वार्टर की इमारत से टकराई।
अगले पल पुलिस हेडक्वार्टर में जो घटा उसने वहां मौजूद हर पुलिस वालों को स्तब्ध कर दिया। ये क्या हो रहा है? कुर्सियां, मेजे, दीवारें, अचानक सभी कुछ गर्म होना शुरू हो गया है। उफ, सभी कुछ अंगारे की तरह दहकने लगा, लेकिन आश्चर्य है कहीं कुछ जल नहीं रहा। अब तो फर्श भी जलने लगा। आऊं, भागो वरना हम सब इस इमारत में भुट्टे की तरह भुन जाएंगे। भागो, सभी भागे, लेकिन भागने का रास्ता कहाँ था? ओह माय गॉड, लिफ्ट और सीढ़ियां सभी कुछ बुरी तरह तप रहे हैं। ऐसे में बाहर निकलने के लिए उनकी मदद लेना अपने आप को मौत के मुंह में धकेलना है। यहाँ कौन से हम बचे हुए हैं? ये जगह भी धीरे धीरे तप कर अंगारा बनते जा रही है। अब तो अपनी जान बचाने का एक ही तरीका है, इस खिड़की से बाहर कूदना। छलांग! अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने खिड़की से बाहर छलांग लगा दी थी, लेकिन छलांग लगाने के बाद उन्हें पता चला कि उन्होंने सीधा मौत के मुंह में छलांग लगाई थी। नहीं! अचानक मौत की वो छलांग जिंदगी की उड़ान बन गई, उन चमकीली रस्सियों की वजह से जिन्हें छोड़ने वाला था परमाणु। इस अनोखी मुसीबत के बारे में मैं सुनकर मैं यहाँ पहुंच तो गया हूँ, लेकिन मुझे अंगारे की भांति दहकती इमारत में से अन्य पुलिसकर्मियों को भी बचाना होगा। इमारत में फंसे पुलिसकर्मियों को बचाने की चिंता में बेहाल होने की जरूरत नहीं है परमाणु, क्योंकि मैंने इस इमारत को अपनी शक्ति से तुझे बुलाने के लिए दहकाया था। अब तू आ गया है तो मैं अभी इस इमारत को सामान्य कर देता हूँ। ओह, तो ये तेरा कारनामा है? बिल्कुल, लेकिन मेरा असली कारनामा ये नहीं होगा जब तू मेरे कदमों में गिरकर मुझसे रहम की भीख मांगेगा। इधर वो अदृश्य शक्ति धारक परमाणु को खोज निकालने में सफल हो गया था, और इधर शक्ति काली माँ को, कहो पुत्री, किस लिए ढूंढ रही हो हमें? क्या विपत्ति आन पड़ी है तुम पर? विपत्ति मुझ पर नहीं माँ, संपूर्ण ब्रह्मांड पर आन पड़ी है, और वो विपत्ति है एक ऐसे मनुष्य के रूप में जिसके पास दैवीय शक्ति को पराजित करने की संसारिक शक्ति है। तुम भूल रही हो पुत्री, दैवीय शक्ति को पराजित कर सके ऐसी किसी संसारिक शक्ति का आविष्कार ना हुआ है और ना कभी होगा। दैवीय शक्ति को तो कोई दैवीय शक्ति ही पराजित कर सकती है। दैवीय शक्ति? ये आप क्या कह रही है माँ? एक मनुष्य के पास दैवीय शक्ति? यह सत्य है पुत्री, जिस मनुष्य की तुम बात कर रही हो दैवीय शक्ति धारक ही है, और उसके पास दिव्यास्त्र हैं। क्या दिव्यास्त्र? हाँ, दिव्यास्त्र, वे दिव्यास्त्र जिसे देवता और उनके अनुयायी सदियों से प्रयोग करते चले आ रहे हैं। चूंकि उन दिव्यास्त्रों को एक मनुष्य अपने इच्छा अनुसार प्रयोग कर रहा है, इसलिए तुम उन्हें देखने के पश्चात भी नहीं पहचान पा रही हो। एक मनुष्य के पास ऐसे घातक दिव्यास्त्र आए कहां से? उसके कर्म से। ओह, उन दिव्यास्त्रों को वापस लेना होगा माँ, अन्यथा वो पृथ्वी पर पर्दे मचा देगा। दिव्यास्त्र को उस मनुष्य से वापस लेना संभव नहीं है पुत्री, क्योंकि विधान यही है, जो जैसा कर्म करेगा उसे उसका वैसा ही फल मिलेगा। उसने अपने कर्मों से ही उन दिव्यास्त्रों को प्राप्त करने का रास्ता खोजा है, और अब वो उसका प्रयोग पर्दे के लिए करता है या सृजन के लिए, इसका अधिकार उसी को है। ओह, इस तरह तो वो सारी सृष्टि को नष्ट कर डालेगा। ऐसा तुम कह सकती हो पुत्री, क्या इससे पहले रावण, कंस, भस्मासुर एवं अन्य राक्षसों के पास ऐसी शक्तियां नहीं थी? क्या वे सृष्टि का नाश कर पाए? सोचो पुत्री, सोचो। सोचकर शायद तुम पृथ्वी को एक भयानक प्रलय से बचा सको, ठीक उसी तरह जैसे कभी श्री राम और श्री कृष्ण ने बचाया था। ओह, देवी माँ फिर ब्रह्मांड में विलीन हो गई हैं, परंतु जाते जाते मुझे बता गई हैं कि अगर पृथ्वी को प्रलय से बचाना है तो मुझे स्वयं ही कुछ करना होगा। परंतु क्या? यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के साथ मुझे इस प्रश्न का भी उत्तर ढूंढना होगा कि आखिर उस साधारण मनुष्य ने दिव्यास्त्र प्राप्त किए तो कैसे? शक्ति के सामने कई सवाल थे। इस कहानी को यही खत्म करते हैं।
इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट थ्री में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना दोस्तों।